हाय एवरीवन, कल होमवर्क था कुछ सब्सिडरी बुक का, किया सबने? किया ही होगा। क्या क्या था होमवर्क? होमवर्क था क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे एडिशनल क्वेश्चन की बात कर रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, ओके। तो क्वेरी रही तो मुझे कन्वे करो। अभी हमने कल देखा था सिंपल कैच भी देखा था और एक डबल कॉलम कैच भी देखा था। ट्रिपल कॉलम हमारा देखना बाकी था, डबल कॉलम में डिस्काउंट और कैश वाला हमारा देखना बाकी था। ठीक है, तो जो मॉड्यूल में का क्वेश्चन था, मॉड्यूल पे आ जाओ, कैश बुक के मॉड्यूल पे। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था आप ट्राई करना। ठीक है, इसने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे अभी करेंगे इसको। देखो क्या बोले, इलस्ट्रेशन सेकंड। गणेश कमेंस बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2017 विद 2000 एज कैपिटल। तो जब इसमें क्या रहा, थोड़ा बहुत फाउंडेशन में इंफॉर्मेशन थोड़ा ऊपर नीचे अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, तो हमेशा अपना दिमाग खुला रखना। आप देखो यहाँ पे इन्होंने पहले लाइन में क्या बोला कि पहला ट्रांजेक्शन क्या है, 2000 एज अ कैपिटल उसने स्टार्ट किया। बहुत बच्चे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से किया होगा आपने, और ये 2000 की एंट्री आपने भूल गए हो। तो जरूरी नहीं बस वो अंदर डब्बे में दिया तो वहीं से भी इन्फॉर्मेशन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर की लाइन में हो सकता कुछ ट्रांजेक्शन दिया, हो सकता नीचे कुछ अलग से ट्रांजेक्शन दिया, तो कंप्लीट क्वेश्चन पहले रीड करने का, बाद में आंसर की ओर जंप करने का। तो ये 2000 पहला ट्रांजेक्शन, ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर ये एट द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये सारे ट्रांजेक्शन दिए। लास्ट में क्या बोला, मेक आउट टू कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। तो कौन से कॉलम है, कैश और डिस्काउंट। डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। मैंने पहले से फॉर्मेट बना के रखा ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। ये डबल कॉलम है, इसमें कौन से लेकिन डबल कॉलम है, एक डिस्काउंट का है और एक कैश का। चेंज कर लेंगे अपन डिस्काउंट और कैश। एक कॉलम रहेगा डिस्काउंट का और एक कॉलम रहेगा कैश। डिस्काउंट और कैश, बाकी सब सेम, कोई खास फर्क नहीं। देखो क्या बोला, पहला ट्रांजेक्शन क्या है, कमेंस बिजनेस 2000 एज अ कैपिटल, 2000 का कैपिटल उसने लाया। कुछ बोला नहीं तो कहीं में लाया होगा, कैश में लाया होगा। क्या एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश बिजनेस में लेके आया तो कैश बढ़ेंगी, कैश बढ़ेंगी तो डेबिट। कुंते साइड में लिखूंगा मैं यहाँ पे कैश बुक में, डेबिट साइड में। कुंते कॉलम में लिखूँ डिस्काउंट के या कैश के, कैश के ऑब्वियसली। तो बस कैश बुक के डेबिट साइड में कैश के कॉलम में लिखूंगा 2000, उसके सामने क्या लिखूंगा, उसका अपोजिट में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट, डेट जो भी रहेगी डेट लिख लेना। ठीक है, ठीक है, एकदम बराबर। 1st अप्रैल 1417 आप पूरा ऐसा 2017 पहले, फिर अप्रैल फिर जीरो ऐसा लिख सकते हो, कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं उसके। ठीक है, पहली एंट्री समझी। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर एंड पेड इन कैश। अपन क्या बना रहे हैं, हमेशा दिमाग खुला रखना है। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अपन कैश बुक बना रहे हैं। तो हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है, सिर्फ अपने को वही लिखने का। अब यहाँ पे बैंक का भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अपने कैश बुक में बैंक का कॉलम बोला क्या बनाने को, नहीं। बैंक वाले ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे नहीं आएंगे, सिर्फ खुलते आएंगे कैश वाले ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे। तो इसने क्या बोला, परचेज फर्नीचर एंड पेड इन कैश, तो ठीक है ये ट्रांजेक्शन आएगा। हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा और बदले में कैश दी, तो बिजनेस से कैश कम होगी, कैश कम होगी तो कैश एसेट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। तो कौन से साइड में लिखूंगा बेटा इसको मैं, क्रेडिट साइड में। कौन से कॉलम में लिखूं, डिस्काउंट क्या, कैश के, कैश के, एकदम सिंपल। एक ऐसा सवाल है सर, बस वही तो बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 250 की काय के लिए, बाय फर्नीचर। ठीक है, एकदम सिंपल, ये भी 1 अप्रैल का ही है। ओके ओके, नेक्स्ट, परचेज गुड्स 500, नाम बोला नहीं, मतलब कैश में परचेज है 500 के, क्या आएगा, परचेज किया तो कैश देंगे, कैश देंगे, कैश कम होंगे, कैश कम हुए तो कुंते साइड लिखूँ क्रेडिट साइड में, कुंते कॉलम में लिखूँ कैश के कॉलम में 500, क्या किया हमने, बाय परचेज 2 तारीख। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950, सेल किया हमने गुड्स तो कैश मिलेंगे, तो बिजनेस में कैश बढ़ेंगे, कैश बढ़ेगा एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ा तो डेबिट। कौन से साइड में लिखूं बेटा इसको, डेबिट साइड में, और कौन से कॉलम में लिखूंगा, कैश के कॉलम में 950। ये कैसे आई, कैश टू सेल, सेल्स अकाउंट 4 तारीख। ठीक है, नेक्स्ट, पेड कैश टू राम मोहन 560, और अगली लाइन देखो, ही अलाउड डिस्काउंट 10,
मतलब राम मोहन नाम के व्यक्ति को हमने कैश पे करी और उसने हमको डिस्काउंट दिया 10 रुपये। तो कैश पेड बोला, पेड 560 दे दिया, उसमें से माइनस नहीं करना डिस्काउंट, 560 पेड कर दिया, डिस्काउंट है 10 का, मतलब टोटल देना था 570, 560 कैश में दिया, 10 का मिल गया डिस्काउंट। तो कैश बुक के कैश कॉलम में कितना आना चाहिए, इतना हमने कैश दिया, कैश कितना दिया बेटा 560, कैश पे किया तो कैश कम होंगी, तो कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिखूंगा 560, क्योंकि उतना ही कैश दिया ना बेटा मैंने, और किसको दिया है, बाय राम मोहन। और अगली लाइन में क्या बोला, उसने अपने को डिस्काउंट दिया 10 रुपये का, किसने, राम मोहन, तो इसके सामने लिखेंगे हम डिस्काउंट, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, कृष्णा एंड कंपनी से कैश कितनी मिली, 600, कितने से कैश बढ़ी, 600 से कैश बढ़ी, तो कौन से साइड में लिखना चाहिए इसको, डेबिट साइड में, तो आ जाओ लिखो टू कृष्णा एंड कंपनी, कैश के कॉलम में कितने से कैश बढ़ी बेटा मेरी, 600 रुपये। नेक्स्ट क्या बोला, अलाउड डिस्काउंट, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया कितने का, 20 रुपये का, तो बस उसी के सामने लिख देने का डिस्काउंट के कॉलम में 20, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस मतलब चिल्लर खर्चे के लिए हमने पैसे दिए, तो कैश कम होंगी तो कौन से साइड में आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिखेंगे 15, सामने लिखेंगे बाय पेटी एक्सपेंसेस, पेटी मतलब छोटे एक्सपेंसेस, चिल्लर एक्सपेंसेस, 7 आए, ठीक है, यस। नेक्स्ट, कैश परचेसेस 150, कैश परचेसेस मतलब कैश खरीदी, नहीं कैश नहीं खरीदी, कुछ हमने गुड्स खरीदे उसके बदले हमने कैश दी तो क्या होगा, एसेट कम होगा, तो कौन से साइड में लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिखूंगा 150, उसके सामने लिखूंगा बाय परचेस, है ना, जी हाँ, 8 है, ओके। नेक्स्ट, पेड फॉर लेबर, लेबर को पैसे दिए हमने 1000 रुपये, लेबर को पे किया तो कैश दिए तो कैश कम होंगी, तो कौन से साइड में आएंगी, क्रेडिट साइड में आएंगी, कौन से कॉलम में, कैश के कॉलम में, बाय लेबर, या अपन उसको बोल सकते हैं बाय वेजेस, कितना, 13 तारीख को 1000, ठीक है, एकदम सिंपल है अभी तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, पेड अली एंड सन्स 400 रुपये, अली एंड सन्स को पे किए तो कैश कम होगी, तो क्रेडिट में लिखेंगे, कैश के कॉलम में कैश कम होगी तो कैश के कॉलम में, तो किसको दिया बेटा, बाय अली एंड सन्स, ठीक है। नेक्स्ट, दे अलाउ डिस्काउंट 8, उन्होंने 8 का डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे 8, खत्म, एकदम इजी हो गया, बस टोटल और बैलेंस, कोई खास ऐसी समझने वाले या कोई ऐसी ट्रिक की बात कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम पंच है ना। करो फटाफट फिर टोटल, अगेन कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा रहती है बेटा, देखो अलग अलग कॉलम के अलग अलग टोटल करने का, डिस्काउंट के कॉलम की टोटल कितनी है 20, इसकी टोटल कितनी आएंगी 2950 और 600, ये आ जाएगा 3550, इधर के डिस्काउंट की कॉलम की टोटल 18, इधर के यानी चाहिए 3550। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, डिस्काउंट के कॉलम की सिर्फ टोटल करके छोड़ देंगे, तो डिस्काउंट के कॉलम के आप टोटल देखेंगे तो दोनों को इसके अलग अलग है, इसके टोटल सेम नहीं आएंगे, सेम करके बैलेंस नहीं करना है, क्यों मैं अभी 2 मिनट बाद बताता, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो, डिस्काउंट के हमेशा दोनों कॉलम के अलग अलग टोटल कर देंगे, दोनों टोटल मैच नहीं होने वाली, अलग अलग रहने वाली, क्यों, क्योंकि दोनों दूसरे अकाउंट, मतलब एक अकाउंट नहीं, अलग अलग अकाउंट, बताता हमें 2 मिनट। अभी कैश का हम टोटल लिखेंगे, कैश का बैलेंस निकालेंगे आखिरी तारीख में, रहेंगे ना अप्रैल में आखिरी तारीख में, हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना आएगा बेटा बैलेंस बीडी, देखो अभी कितना है 250, फटाफट कैलकुलेटर यूज़ करते जाओ और निकालो, 250 प्लस 500 प्लस 560 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 1000 प्लस 400, 2875 माइनस 3550, यानी बैलेंस आ गया बेटा 675, ठीक है। और ये बीडी को क्या करेंगे, यहाँ पे अपोजिट साइड में 2 बैलेंस सीडी, कैश के कॉलम में 675, समझा, कौनसा क्वेश्चन था, इल्लू टू
ठीक है। चलो यहाँ तक समझा। हाँ मैं डिस्काउंट का बता रहा था, डिस्काउंट को बैलेंस क्यों नहीं किए। देखो बेटा बैलेंस हम कब करते हैं, जब एक ही अकाउंट रहता। अभी तक जब भी हम बनाया जैसा कैश का अकाउंट बोले, बैंक का हमने कॉलम बनाया था, तो बैंक का अकाउंट एक ही रहेगा, कैश का अकाउंट एक ही रहेगा। लेकिन ये दोनों साइड में डिस्काउंट लिखे ना आपने, ये वाला डिस्काउंट और ये वाला डिस्काउंट, ये दो अलग अलग डिस्काउंट है, इसको एक करके मिक्स नहीं करने का है। क्यों? ये जो डेबिट साइड में लिखे हुआ ये डिस्काउंट कौन सा है, ये एक्सपेंस वाला डिस्काउंट है। डेबिट साइड में लिखा ना, डेबिट साइड में क्या रहता है बेटा, हमेशा एक्सपेंस। तो ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड वाला डिस्काउंट है। ये क्या है, ये इनकम वाला डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट रिसीव। ये है एक एक्सपेंस, ये है एक इनकम। एक्सपेंस डेबिट का बैलेंस रहता है, क्रेडिट दोनों अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग जगह जाएंगे, एक के क्रेडिट में जाएगा, एक के डेबिट में जाएगा, तो दोनों का अलग अलग बैलेंस रहेगा। उसको अपन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। यदि हम बैलेंस निकाल रहे हैं मतलब मिक्स कर दिया, देखो यदि आप बैलेंस निकालते थे तो क्या बोलते थे, यहाँ पे है 20,000 ₹20, यहाँ पे 18 रुपये, मतलब 2 रुपये आप डिस्काउंट का बैलेंस बता देते। लेकिन अलग है, 20 रुपये बेटा अलग खर्चा है, डिस्काउंट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड वाला है। ये 20 रुपये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और जो 18 रुपये अलग से डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये अलग से जाएंगे P&L के क्रेडिट में। तो ये दोनों डिस्काउंट का कॉलम भले डिस्काउंट दिख रहा, लेकिन दोनों कॉलम अलग अलग अकाउंट है, एक एक्सपेंस वाला है और एक इनकम वाला है। इसको बैलेंस नहीं करना, इसके लिए स्क्रिप्ट टोटल करना, दोनों की टोटल अलग अलग आएंगे और बस टोटल करके छोड़ देना, और फिर इसकी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे बाद। इसके डिस्काउंट की लेजर पोस्टिंग कैसी होंगी, डिस्काउंट के दो अकाउंट रहेंगे अलग अलग, एक अकाउंट रहेगा डिस्काउंट अलाउड और एक अकाउंट रहेगा डिस्काउंट रिसीव। तो ये जो 20 रुपये है डेबिट साइड में, वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में 20 रुपये, और उसके सामने हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक, और ये 18 रुपये क्रेडिट बैलेंस रहेगा, इसके सामने लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक, और फिर ये लेजर को हम टोटल करेंगे और फिर इसको बैलेंस करेंगे। इसका बैलेंस रहेगा 20, इसकी टोटल करेंगे 18 18, और इसका बैलेंस, मतलब दोनों को अलग अकाउंट में लेके जाने का है और फिर दोनों का अलग अलग बैलेंस निकालने का। इसलिए हम यहाँ पे कैश बुक में डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकालेंगे, सिर्फ टोटल करके छोड़ देंगे। एग्जाम में टेंशन नहीं लेना कि दोनों का अलग अलग टोटल है, जबरदस्ती एक नहीं लिख देना, दोनों के अलग अलग टोटल ही आएंगी और ऐसा ही करना, ठीक है, पक्का समझा? ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या नोट करने की वाली बात है, एक तो सिंपल है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस एक डिस्काउंट वाला मैटर है, डिस्काउंट के कॉलम की टोटल करना है, बैलेंस सिर्फ कैश के कॉलम का, समझा? पक्का, ठीक। चलो अब आप ये लिख लो, ठीक है, ये भी जो मैं साइड में लिखता ना, आप ये भी लिखते जाओ, अभी तो ध्यान में रहता, फिर बाद में वापस कन्फ्यूजन होता, 2 महीने 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप पढ़ेंगे, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो आप भी ये लिखने का था साइड में, ये जो मैंने लिखा, ताकि आपको बाद में ध्यान में रहे, ठीक है, ओके। चलो ये लिख लो फटाफट पॉज करके, ये लिखना होगा तो ये लिख लो, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे भी टोटल इसके अलग अलग है, 20 18 655, ठीक है, ओके। अब अपने को देखने के ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक जिसको हम बोलते हैं, देखो इलस्ट्रेशन 3 में दिया, 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक में क्या रहेगा बेटा, 3 कॉलम रहेंगे, 3 कॉलम कौन से रहेंगे, डिस्काउंट का भी रहेगा, कैश का भी रहेगा और बैंक का भी रहेगा, बाकी एंट्री सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने कैश और बैंक का देखा था एक डबल कॉलम, हमने कैश डिस्काउंट का देखा, दोनों को मिला दो कंबाइन, है कुछ फर्क नहीं है दोनों में। मैं एक बार फॉर्मेट कॉपी कर लेता जाके ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा ना हो। ट्रिपल कॉलम कैश बुक पहले ही सारे फॉर्मेट बना के रख दिए मैंने। चलो ज़्यादा कॉलम बनेंगे, मैंने पहले बोला था आपको अकाउंट्स के लिए ब्लॉक रजिस्टर बनाओ ज़्यादा चौड़ा वाला, क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉलम कॉलम फॉर्मेट बनाने पड़ जाते हैं।
छोटे में वो जमेगा नहीं, कचरा हो जाएगा उसमें। ठीक है चलो देखो, अभी ध्यान से थ्री कॉलम कैशबुक बना रहे हैं हम लोग। ठीक है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैशबुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। मतलब कैशबुक है तो कैशबुक में ऑब्वियसली कैश का कॉलम तो रहेगा ही, तो बोलने की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या बोला, कैशबुक बनाओ जिसमें डिस्काउंट कॉलम भी और बैंक कॉलम भी हो, कैश तो रहेंगे मतलब तीनों कॉलम। और आगे क्या बोला है, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, मैं हमेशा बार बार बोल रहा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, खास करके ऊपर की और नीचे की चीज़ें, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगी, उसके बिना आप क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, पूरा गलत हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। इसका मतलब क्या है, जब भी हमको चेक मिलेगा तो अपन क्या मानेंगे उसको, क्या मिला, कैश मिला। मतलब इनका क्या बोलना है, जितने भी चेक मिल रहे हो, चेक कौन थे बेटा, बियरर चेक, कल देखा था हमने याद है ना, दो टाइप के चेक रहते, एक रहते बियरर चेक, एक था अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक में अकाउंट में जमा होता है, बियरर चेक में हम कैश ले सकते बैंक से, तो हम मानते अपने कैश मिलने वाली, और फिर जब यदि वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो फिर हम रिवर्स एंट्री पास कर देंगे कि कैश कम कर देंगे और बैंक को बढ़ा देंगे। तो अभी इसने क्या बोला, सारे चेक जितने भी मिल रहे उसको क्या ट्रीट करना है, कैश। मतलब ही क्या, जितने भी चेक मिल रहे हो कौन से चेक है बेटा, बियरर चेक। चलो पहला चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया उसने कैश के साथ में 20,000। बिजनेस स्टार्ट किया मतलब बिजनेस में कैश लेके आए, कैश लेके आए बिजनेस में, तो कैश बढ़ेंगे, कैश बढ़ेंगे तो कौन से साइड में लिखूंगा बेटा, डेबिट साइड में। ठीक है ये क्या है, कैश बुक, कैश बढ़ेंगी तो डेबिट साइड में लिखूंगा, ये डेबिट साइड, और ऑब्वियसली कैश बढ़ रही तो कौन से कॉलम में लिखूंगा, कैश के कॉलम में। कितना है, 20,000, तो कैश के कैश बुक में डेबिट साइड में कैश के कॉलम में 20,000, और उसके सामने लिखने का है टू कैपिटल। ठीक है ठीक है, 1 जनवरी, ओके चल, डिस्काउंट और बैंक में कुछ नहीं। नेक्स्ट ही पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000। करंट अकाउंट में उसने पैसे जमा किए, करंट अकाउंट मतलब बैंक के अकाउंट के दो तीन टाइप रहते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। तो बोलने का मतलब उसने बैंक के अकाउंट में पैसे जमा किया, मतलब कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसमें क्या बढ़ रहा बेटा, बैंक में पैसे जमा किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस बिजनेस में कम होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा तो कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में। मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में आ जाओ, और क्या बढ़ रहा, बैंक, तो कौन से कॉलम लिखना पड़ेगा, बैंक के कॉलम। कितने से बढ़ रहा बैंक, 19,000, तो कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में लिखेंगे 19,000, और उसके सामने क्या लिखना पड़ता है, टू कैश अकाउंट। और दूसरी चीज़ क्या हो रही, कैश कम हो रही, कैश कम हो रही तो कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश कम हो रही, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे बेटा, कैश के कॉलम में। क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट, सिंपल। और एक बात मैंने बोला था, जब भी कोई कॉन्ट्रा एंट्री आएंगी तो LF के कॉलम में लिखने का, उसके सामने सी, ताकि हमको पता चले कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक, नेक्स्ट ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। इसने इसको चेक मिला कीर्ति एंड कंपनी से 600 रुपये का। ऊपर क्या बोला था, जब भी कोई चेक मिल रहा तो क्या मानने का, उसको कैश मिली। ठीक है तो अपन क्या मानेंगे इसको बेटा, कैश मिली। किससे मिली, कीर्ति एंड कंपनी, तो कैश मिली, कैश बढ़ेंगी, कैश बढ़ेंगी तो कौन से साइड में, डेबिट साइड में। कौन से कॉलम में, कैश के, कि बैंक है, कैश के। उन्होंने बोला ना, भले चेक मिल रहा तुम क्या मानो, कैश मिल रहा, मतलब बियरर चेक मानने का, तो कैश मिली। किससे मिली, कीर्ति से। ठीक है ठीक है, 3-4 नेक्स्ट। डैश देना जरूरी नहीं, आप दे सकते, मैं थोड़ा कंफ्यूजन ना हो टोटल बराबर, इसलिए डैश दिए तो अच्छा, नहीं भी दिए तो चलता, कोई दिक्कत। ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनीज चेक। ऊपर जो अपने को चेक मिला, ये इसने क्या किया, बैंक में जाके जमा किया। देखो पहले इन्होंने बोला कैश मान, अपन ने कैश मान लिया, अब क्या बोलते हैं, वो चेक उसके उसने चेक कैश नहीं लिया, बैंक के खाते में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होंगी, बैंक में पैसा जमा हुआ, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा, तो कैश बुक के डेबिट साइड में। तो कौन से कॉलम में बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक के कॉलम में लिखूंगा 600। और अब क्या करेंगे इसको, कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि अपन ने पहले बोल दिया कैश आ गई, कैश आ गई, कैश एक्चुअल में आई थी क्या। देखो ट्रांजेक्शन को समझो, कीर्ति एंड कंपनी ने अपने चेक ला के दिया, कागज का टुकड़ा ला के दिया, हमने क्या माना ये कैश है, एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी, मतलब कैश का बैलेंस बढ़ा दिया। एक्चुअल में कैश बढ़ी क्या, मान लो पहले 10,000 कैश पड़ी हुई थी, कीर्ति एंड कंपनी ने चेक ला के दिया, उन्होंने चेक ला के मेरे पास रखा, तो चेक लाने से हमने एंट्री तो कर दी कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश बढ़ी क्या, कैश उतनी की उतनी है, 10,000 है तो 10,000 ही है, सिर्फ चेक मेरे पास कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ, लेकिन मैंने कैश बढ़ा दिया। अब मैं क्या कर रहा है,
अगर मैं एक चेक लेके जाता था बैंक में, बैंक को दिखा के कैश लेके आ जाता था, तो कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं थी। मतलब मैं कैश लेके और ये एंट्री मैंने पहले ही पास कर दी, चेक मिला जब भी मैंने बोला कैश मिल गई, तो इसके लिए फिर एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं। एडिशनल कब करना पड़ता, जब बीएरआर चेक लेके आते हम कैश मान लेते, उसको कैश बैलेंस बढ़ा देते, एक्चुअल बढ़ा नहीं लेकिन हम बढ़ा देते। लेकिन फिर अब ये गड़बड़ क्या करता, बीएरआर चेक को बैंक में दिखा के कैश नहीं लेता, बीएरआर चेक बैंक अकाउंट में जमा कर देता, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट बढ़ गया, कैश को धक्का भी नहीं लगा, कैश बढ़ी भी नहीं। लेकिन अपन ने पहले जबरदस्ती जब चेक मिला तो कैश बढ़ा दी थी, कैश रियल में बढ़ी क्या नहीं, तो फिर कैश को कम करना पड़ा। और बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, तो जब भी बीएरआर चेक आता तो पहले मान लो कैश आ गई, और जब भी वो बीएरआर चेक बैंक में जमा कर देना, तो अपने को एज इफ कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ऐसी एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक बैलेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि जबरदस्ती जो कैश बढ़ाया उसको हमको करना पड़ेगा कम। ठीक है, हाँ, तो क्रेडिट क्या होगा, कैश, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिखेंगे 600। क्यों किया, क्योंकि जबरदस्ती पहले बढ़ा दिया, एक्चुअल कैश बढ़ी ही नहीं, तो 600 रुपया बाय बैंक अकाउंट। और ये भी क्या है, एक प्रकार की कॉन्ट्रा एंट्री ही है, क्योंकि कैश और बैंक आ रहा, तो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आ रहा था अलग में क्या लिखने का ध्यान से, सी। ओके ओके, नेक्स्ट, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड अलाउड डिस्काउंट 20। इसने पे किया रतन एंड कंपनी को 20 का डिस्काउंट दिया और 330 का पेमेंट किया। अब पेमेंट किया चेक से, इसको कैश मानू क्या, नहीं। ऊपर क्या बोला बेटा, सिर्फ रिसीट को कैश मानो, वैसे भी जब चेक मिलता तभी देखने का बीएरआर है या नहीं, पेमेंट करते तो बैंक से ही पेमेंट जाता चेक देंगे। तो रतन एंड कंपनी को हमने चेक से पेमेंट दिया, तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा बेटा, कम होगा। बैंक का बैलेंस कम होगा तो कौनते साइड में आओ, क्रेडिट साइड में, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ गया। लेकिन अब कौनते कॉलम में जाओ, क्या कम होगा बेटा, बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक के कॉलम में लिखूंगा 330 रुपया कम होगा। किस वजह से कम हुआ, किसको चेक दिया अपन ने, रतन एंड कंपनी, ठीक है। और आगे क्या बोला, उसमें डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट लिख देना, कितने का डिस्काउंट, 20 का डिस्काउंट। ठीक है, ये अपन ने पेमेंट किया, 20 का डिस्काउंट मिला, ये हमारे लिए क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट वाले डिस्काउंट साइड में। लेकिन इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी अपन वो ट्रांजेक्शन लिख रहे उसके सामने डिस्काउंट में वो अमाउंट लिख रहे, ठीक है। तो लॉजिकली भी आप सोचे कि अपन पेमेंट दे रहे तो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए, इसलिए क्रेडिट वाले डिस्काउंट में 20 रुपये। लेकिन इतना नहीं भी सोचा, जहाँ 330 मतलब जहाँ उससे रिलेटेड एंट्री लिखी उसके सामने डिस्काउंट मिल, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट, तृप्ति एंड कंपनी पेज इन टू हिज बैंक अकाउंट। तृप्ति एंड कंपनी ने हमारे बैंक के खाते में पैसे जमा कर दिए, अभी चेक नहीं है, अपने को सिर्फ चेक को मानना था कि वो बियर या अकाउंट पे ही है। यहाँ पे क्या बोला, इसने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा कर दिए, हो सकता है इसने डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है RTGS NEFT कर दिया, या हो सकता गूगल पे से किया, मतलब डायरेक्ट हमारे बैंक में आया, चेक आया ही नहीं, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में, तो कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक के कॉलम में लिखना पड़ेगा 475। किसके वजह से बढ़ा, टू त्रिपाठी एंड कंपनी अकाउंट, तारीख क्या, 12। ओके ओके, नेक्स्ट, ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वर्षी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35। अब देखो ध्यान से देखो, ही रिसीव्ड चेक, ध्यान है ना ऊपर की बात, जब भी चेक मिल रहा कैश मानने का है, मतलब हम मानेंगे हमको कैश मिली 450 और हमने डिस्काउंट दिया उसको 35, कैश मिली, कैश मिलेंगी तो बढ़ेंगी, कैश बढ़ेंगी तो डेबिट साइड में, तो कैश बुक के कैश के कॉलम में डेबिट साइड में लिखने का है 450। किससे बढ़ी, किसने दिया है, वार्षिक, ठीक है। और आगे बोला उसने, उसको हमने डिस्काउंट भी दिया 35 का, तो डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट लिखेंगे, कौन सी तारीख है ये, 15 तारीख, ठीक है, सिंपल। ही रिसीव्स कैश 75, चेक 100 फॉर कैश सेल्स। देखो अमाउंट कुछ नहीं दिया, मतलब अमाउंट यही बताया उसने, इसने सेल किया 175 रुपये का, मतलब 75 का कैश में सेल किया और 100 रुपये का बैंक से सेल किया, ऐसी ना, हाँ, मतलब हमने सेल किया तो 100 रुपये हमारे को चेक मिला और 75 रुपये का हमको क्या मिला बेटा, कैश मिला। और ऊपर की लाइन ध्यान में है क्या, जब भी चेक मिला तो इन्होंने क्या बोला, कैश मांगा, मतलब इन शॉर्ट ये 75 भी कैश ही मानने का, 100 भी कैश ही मानने का, मतलब टोटल 175 अपने को क्या मिला बेटा, कैश मिला,
हमने सेल किया 175 कैश मिला, तो कैश बढ़ेंगे तो डेबिट साइड में, तो कैश बुक के डेबिट साइड में आ जाएंगे। और कौन से कॉलम में क्या बढ़ा, 100 रुपये भी और 75 भी, दोनों को अपने को कैश ही मानने का, तो पूरा 175 कैश में लिखेंगे टू सेल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है बेटा, 20 रुपया। ओके नेक्स्ट, ही पेज इन टू बैंक, मतलब हमने बैंक में जमा किया इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड एंड 15 एंड 20, मतलब 15 और 20 को जो भी चेक मिले थे वो मिला के हमने बैंक में जमा किए 1000 के चेक। अब ये अलग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं कि 15 का कितना था, 20 तारीख का कितना था, हमको क्या लेना देना। उसने क्या बोला, हमको टोटल 1000 रुपये के चेक हमने बैंक में जमा किया, ठीक है, उसके अंदर 15 और 20 तारीख के भी, ठीक है, तो इसमें आई गए ना, तो अलग से एंट्री पास नहीं करने का, हमको डायरेक्ट एंट्री पास करने की 1000 रुपये की। तो 1000 रुपये के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए, मतलब ये कौन से वाले चेक है जिसको पहले कैश मान लिया था हमने, ठीक है, तो ये एज सच क्या होगा कि कैश ही डिपॉजिट किया हमने बैंक में, तो इससे क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कैश बुक के कौन से साइड में लिखूंगा मैं, कैश बुक के डेबिट साइड में, क्या बढ़ा, बैंक बैलेंस, तो कौन से अमाउंट, कौन से कॉलम में लिखूंगा, बैंक के कॉलम में 1000 रुपया टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जबरदस्ती बढ़ा के रखी हुई सारे चेक से हमने, कितना तारीख है, 25 तारीख। और दूसरा क्या होता है, कैश क्रेडिट होगा, कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1000 बाय बैंक अकाउंट। अभी कैश और बैंक आ गया, तो ये कौन सा एंट्री बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री में एक चीज एडिशनल क्या करनी पड़ती है, लेजर फोलियो के कॉलम में लिखो सी, सी फॉर कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेस 275, कैश परचेस है और चेक से पेमेंट करा, ऐसा कैसा, कैश परचेस का मतलब बेटा हाथों हाथ पेमेंट कर दिया। अब हाथों हाथ पेमेंट कैसे करा, उसने बोला चेक से पेमेंट किया, है ना, कैश परचेस का मतलब ये नहीं, अभी कैश है, सिर्फ कैश परचेस बोला तो अपन कैश ही लिखेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कैश परचेस है और पेमेंट हमने चेक से दिया, तो इनका बोलने का मतलब ये है, कैश परचेस से इनका ये तात्पर्य है कि परचेस का पेमेंट हाथों हाथ हो गया। कैसे हुआ पेमेंट बेटा, चेक से हुआ, तो हमने चेक से पेमेंट दिया तो बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस कम होगा तो कौन से साइड में आएगा बेटा, वो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा। कितने का बैंक बैलेंस कम हुआ, 275 हुआ, तो बैंक के कॉलम में लिख दो 275, काय के वजह से हुआ है, बाय परचेस अकाउंट, है ना, क्या तारीख है, 27। ओके है एकदम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कोई फर्क नहीं, डबल की जैसी चेक को खास दिक्कत नहीं है। लास्ट, ही पे सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, एक्सपेंसेस की सन्ड्री मतलब मिनी, बहुत सारे चिल्लर चिल्लर खर्चे के, खर्चे का पेमेंट किया उसने 50 रुपये का, ठीक है, तो पेमेंट किया तो कैश कम होंगी, कैश कम होंगी तो कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, क्या कम होगी, कैश, तो कौन से कॉलम में, कैश के कॉलम में, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में 50, तो सामने क्या लिखेंगे, बाय सुंदरी एक्सपेंसेस, सुंदरी नहीं सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना है, 30 तारीख। ओके नेक्स्ट, हो गया कंप्लीट, अब टोटल करो फटाफट, टोटल टोटल तीनों कॉलम की अलग अलग करने का। यहाँ पे देखो, डिस्काउंट के कॉलम की टोटल है 35, कैश के कॉलम की टोटल कितनी है, करो फटाफट, 20,000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 175 टोटल आ रही इसकी, कैश के कॉलम की 21,225, बैंक के कॉलम की टोटल करो 19,000 प्लस 600 प्लस 475 प्लस 1000, बैंक के कॉलम की टोटल आ रही 21,075, ठीक है। इधर के डिस्काउंट की टोटल, डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करना है, डिस्काउंट जितना आ रहा चुपचाप लिख दो, डिस्काउंट के जो कॉलम है दोनों उसकी टोटल अलग अलग आएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग अकाउंट है, मैच करना भी नहीं होता, लेकिन मैच ये होनी चाहिए, क्या कैश की भी टोटल इतनी ही आनी चाहिए 21,225 और बैंक की भी टोटल 21,075 आनी चाहिए, लेकिन थोड़ी कम आएंगी, तो जितना भी फर्क रहेगा वो कैश और बैंक का क्या रहेगा बेटा, बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैश का बैलेंस निकालो, कैसे निकालेंगे, ये साइड की टोटल करो क्रेडिट की और उसमें से 21,225 में से माइनस करना, तो 21,225 माइनस 19,000 माइनस 600 माइनस 1000 माइनस 50, तो कैश का बैलेंस कितना आ रहा बेटा, 575, बैंक का बैलेंस कितना आएगा, 21,075 माइनस 330 माइनस 275, तो बैंक का बैलेंस आएगा 40,470।
बैलेंस निकालना तो सबको आता ही होगा, है ना। कैसे निकालते हैं बैलेंस? जो साइड बड़ी है उसकी टोटल कर लो, जो साइड छोटी है उसमें से माइनस कर, और ये कैरी डाउन हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा, बैलेंस सीडी। 30 ये कौन सा महीना बेटा? जनवरी, तो 31, और ये 1 फरवरी, बाय बैलेंस बीडी। डिस्काउंट का कोई बैलेंस नहीं, कैश का बैलेंस 575, बैंक का बैलेंस 20,470। अभी डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम में आपको कंसेप्चुअल कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे मेरे पढ़ाने के बाद, लेकिन दिक्कत का आएंगी बेटा कैलकुलेशन में, दिक्कत आ जाती है कैलकुलेशन इन द सेंस, कैलकुलेटर तो अलाउड है, कैलकुलेशन में मतलब आप ये गड़बड़ कर सकते हैं कि इधर कैश की टोटल ले रहे और इधर बैंक के कॉलम में लिख दे रहे, या कैश की टोटल में से वो बैंक के कॉलम का माइनस कर रहे, या बैलेंस इधर उधर कर दे रहे, तो ये सिली मिस्टेक हो सकती है बस, इसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से अलर्ट रह के इसके टोटल और बैलेंस निकालने, क्योंकि 2-3 कॉलम है तो इधर उधर नहीं लिख देना बस, बाकी तो कोई खास दिक्कत इसमें है, ठीक है, समझा सबको? पक्का लिख लो। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? ये था उल्लू 3। सारे क्वेश्चन तुम ही कर ले रहे, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, होमवर्क कुछ मिल ही नहीं आपको, है ना, ऐसा कैसे चलेगा आपको, होमवर्क देना पड़ेगा बहुत सारा। चलो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो और लिख लो, ठीक है, देख लो एक बार बराबर है कि नहीं। कुछ तो गड़बड़ हो गई दया, तंत्रा लग क्यों आ रहा, एक मिनट देखते, कुछ तो भी गड़बड़ है। डिस्काउंट में 35 बराबर, डिस्काउंट में इधर 20 बराबर, इधर 20,000 बराबर, 600 बराबर, 450 बराबर, 175 बराबर, 21,225 बराबर, 19,000 बराबर, 600 बराबर, 475 बराबर, 1,000, 21,075, ये भी बराबर, इधर 20 भी बराबर, 19,000 बराबर, 600 बराबर, 1,000 बराबर, 275 परचेस, अरे कैश में परचेस है क्या रे 275? ये बुक में गलत है, देखो मैं बोला ना बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स है, यहाँ पे क्या बोला, ही पेज बाय चेक, इसने चेक से पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस कम होगा ना अपना, कैश थोड़ी कम होने वाली, तो इन्होंने देखो यहाँ पे कैश कॉलम में लिख दिया 275, तो ये गलत है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए बैंक के कॉलम में 275, वो हिसाब से बैलेंस चेंज हो जाएगी, इसमें गलत दिया, बुक में रिलाय मत करना, बहुत सारी मिस्टेक्स है बुक में। तो अपना राइट लिख लो फटाफट, लिख लिया, चलो ठीक है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गए, तो आप सिंगल कॉलम तो हो ही गया था, डबल कॉलम के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रिपल कॉलम के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता फटाफट आपको कौन से क्वेश्चन करने। इलस्ट्रेशन 1 हमने ही कर लिया था यहाँ पे, इलस्ट्रेशन 2 आज हमने यहाँ पे कर लिया, इलस्ट्रेशन 3 यहाँ पे कर लिया हमने, इलस्ट्रेशन 3 भी यहाँ पे कर लिया, सभी तो कर लिया। इलस्ट्रेशन 4 पेटी कैश बुक का है, नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक मिनट आगे के तो देख लेते, आगे के तो हो सकता कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 4 पेटी कैश बुक अभी बताऊंगा मैं, उसके बाद में करना। इलस्ट्रेशन 5 कैश बैंक डिस्काउंट कैश चेक फर्स्ट रेट, देखो सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया वैसा, चेक को पहले ट्रीट मानो, और यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी, ठीक है। और यहाँ पे देखना ध्यान से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बोले हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट कार्ड लो डेबिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें डेबिट कार्ड से पेमेंट करें तो कहाँ से पैसा कटेगा, बैंक अकाउंट से, बाकी सब सेम ही। तो इलस्ट्रेशन 5 इज होमवर्क, ओके, देन हो गया चैप्टर खत्म, बस पेटी कैश बुक एक ही बात बाकी, हमारा पेटी कैश बुक देखना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पेटी कैश बुक का, चलो ठीक है। एक मेरे को पेटी कैश बुक का क्वेश्चन बताने का है, फिर बाकी के भी मैं होमवर्क दे सकता, अभी से एक ही कोई होमवर्क मिला अभी तक आपको क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 5 और भी होमवर्क, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। अभी यहाँ पे कहाँ तक हो गया देखो एक बार, इलस्ट्रेशन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया था शायद, इतना मैंने लिखा है मतलब अंडरलाइन करें, मतलब मैंने बता ही दिया था। 2 होमवर्क दे दिया था, 3 है ट्रिपल कॉलम कैश, तो 3 होमवर्क है आज। उधर कौन सा था, इलस्ट्रेशन 5 और इधर है क्वेश्चन नंबर 3, 4 तो कल ही था, 5वां पेटी कैश, ठीक। तो अभी तक 2 होमवर्क मिले, इलस्ट्रेशन 5 और
नोट्स में का एडिशनल क्वेश्चन नंबर 3। ठीक ओके, अभी मैं आपको बताता पेटी कैश बुक, फिर पेटी कैश बुक भी आप कर सकते, कुछ नहीं एकदम सिंपल है, कोई खास बात नहीं। हाँ, अब एक फोर्थ टाइप जो रहता है कैश बुक का, हमने देखा था स्टार्टिंग में चार टाइप रहते हैं, है ना, कौन कौन से रहते बताओ फटाफट एक बार। सिंगल कॉलम, इसको सिंपल भी बोलते हैं, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। कैश बुक के टाइप की बात कर रहा हूँ, चार टाइप स्टार्टिंग में हमने देखे थे ये। ठीक है, सिंपल कॉलम कैश बुक हमने देख लिया, सिर्फ कैश का कॉलम रहता। डबल कॉलम कैश बुक हमने देखा, जिसमें दो वेराइटी थे, एक में कैश और बैंक था और एक में कैश और डिस्काउंट था, दोनों भी हमने देख लिया। फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमने देख लिया, जिसमें तीनों चीज़ें रहती, कैश भी रहता, बैंक भी रहता, डिस्काउंट कॉलम भी रहता। अब लास्ट चीज़ अपने को देखने की है पेटी कैश बुक। सर पेटी कैश बुक मतलब क्या होता है? देखो पेटी का मतलब होता है छोटा, चिल्लर खर्चे। तो क्या रहता है, जब बिजनेस बहुत बड़ा रहता तो चिल्लर खर्चे बहुत होते हैं। चिल्लर खर्चे इन द सेंस, मान लो कोई क्लाइंट है, कस्टमर आए, तो उनके चाय पानी का खर्चा, सबको चाय पिलाते हैं 6 रुपये की, 10 रुपये की चाय, या नाश्ता रहता है 10 रुपये, 20 रुपये, या कोई मजदूर रहता हमारी किसने उतारा उसको 100 रुपये दिया, 150 रुपये दिया, या और भी बहुत सारे दुनिया भर के चिल्लर खर्चे रहते हैं ना, एकदम प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मतलब कोई जेरोक्स ला ली, ये ला ली, वो ला ली। बोलने का मतलब जो भी छोटे मोटे खर्चे रहते हैं वो अपन कैश बुक, मेन कैश बुक जो रहेंगे हमारी उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाता है, जो कैश बुक रहेंगी उसमें सब यही दिखते हैं, ज़्यादा यही ट्रांजेक्शन दिखेंगे। जो मेन हमारे कैश बुक में जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन रहेंगे वो तो इतने नहीं रहेंगे ना, परचेज सेल मान लो 100-150 एंट्री रहेंगी, 1000-2000 एंट्री रहेंगी। लेकिन जब अगर चिल्लर खर्चे भी हम उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दे कि चाय, कचोरी, समोसे, हमाली, जेरोक्स, ये इतने चिल्लर खर्चे भी यदि रिकॉर्ड करने हैं तो मेन चीज़ तो रह जाएंगी बाजू में, पूरे कैश बुक में हमारे ये दिखते बैठेगा 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन उतने अच्छे से कन्वे नहीं हो पाएगी। तो अपन क्या करते हैं, मेन कैश बुक ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम ऐसे चिल्लर खर्चे उसमें नहीं आने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, चिल्लर खर्चों के लिए एक अलग ही बुक बना लेते हैं, अलग ही कैश बुक बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेटी कैश बुक। तो जो चिल्लर खर्चे रहेंगे उसके लिए हम अलग कैश बुक बनाएंगे, उसको बोलेंगे पेटी कैश बुक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पेटी कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का है जो एकदम छोटे छोटे। ये अपने को डिसाइड नहीं करने का है कि कौन सा पेटी में लिखना है, कौन सा मेन में। अपने को क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बोले वाले प्रिपेयर पेटी कैश बुक का, प्रिपेयर पेटी कैश बुक, तो अपने को जितने भी दिए सारे के सारे उठा के पेटी कैश बुक में लिखने का, समझा कि पेटी कैश बुक क्यों करते। अच्छा, और इसके लिए एक अलग से कैशियर भी मेंटेन रहता, मतलब यदि कोई बड़ी कंपनी है, बड़ा बिजनेस है, मेन कैशियर अलग रहेगा जो बड़े बड़े पेमेंट करता है, और एक छोटा कैशियर अलग रहेगा जो ऐसे चिल्लर खर्चे सब देखता। ठीक है, तो दो कैशियर रहेंगे, एक पेटी मेन कैशियर और एक रहेगा पेटी कैशियर, तो पेटी कैशियर मेंटेन करेगा पेटी कैश बुक। ठीक, पेटी कैशियर को क्या रहता है, जो मेन कैशियर रहता है वो उसको पैसे दे देगा हर हफ्ते या हर महीने, मान लो महीने के स्टार्टिंग में उसको दे दिए 5000 मेन कैशियर पहले उसको दे देगा पेटी कैशियर। तो पेटी कैशियर को जो पैसे आएंगे, मतलब जो पेटी कैश बुक में जो रिसीट रहेंगे, दो कॉलम रहेंगे ऑब्वियसली, एक में पैसे आ रहे, एक में पैसे जा रहे, जहाँ पैसे आएंगे डेबिट साइड रहेंगे पेटी कैश बुक की, तो उसमें कौन सी एंट्री रहेंगी, सिर्फ उसमें एक ही एंट्री रहेगी, कौन सी एंट्री रहेंगी, मेन कैशियर से जो पैसा आ रहा है। स्कोर कहाँ से पैसा आएगा, उसका दूसरा कोई काम है ही नहीं, क्या काम है, मेन कैशियर से पैसा लेने का और चिल्लर खर्चे करने का। तो जो पेटी कैश बुक की रिसीट साइड रहेगी, डेबिट साइड रहेगी, उसमें केवल एक ही साइड से उसको पैसा आएगा, एक ही एंट्री रहेगी, बोलता मेन कैशियर से वो पैसा ले लेगा, जितने भी अमाउंट दी रहेंगे 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये, और बाद में चिल्लर खर्चे सब करते जाएंगे, 100 रुपये, 200 रुपये वाले सारे खर्चे करते जाएंगे। फिर महीने भर में, हफ्ते भर में सारे खर्चों की टोटल करेंगे, मान लो उसको 5000 दिए थे, पूरे महीने भर में मान लो 4000 रुपये खर्चा हो, तो उसके बाद अभी 1000 रुपये बचे, तो सारा हिसाब किताब बताएंगे मेन कैशियर को, मेन कैशियर देखेंगे हाँ 4000 है, इसके बाद 1000 बचे, तो मेन कैशियर क्या करेंगे, और उसको 4000 देंगे। मतलब एक हम लिमिट डिसाइड कर लेंगे कि पेटी कैशियर की लिमिट इतनी है, तो हर महीने उसको उतने पैसे मिलते जाएंगे, वो खर्चा करते जाएंगे, जितने खर्चा होगा उतने पैसे और मेन कैशियर से लेते जाएंगे, समझा, एकदम सिंपल। ठीक है, तो पेटी कैश बुक कैसे लिखना, पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, वो अभी अपने को देखना। चलो आ जाओ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के सब एडवांटेजेस क्या है, मीनिंग क्या है, सब मैंने बताया थ्योरेटिकल पार्ट, एक बार रीड आउट। प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। इम्प्रेस सिस्टम मतलब क्या रहता बेटा, वो जो मैंने आपको बोला कि उसको पहले पैसा दे डालेंगे हम 1000 रुपये, एक लेवल डिसाइड कर लेंगे इसको, हर महीना या हर हफ्ते 1000 रुपये देने, 10000, जो भी एक लेवल डिसाइड कर लेंगे, लिमिट डिसाइड कर लेंगे, उतने पैसे उसको दे देंगे, फिर वो पेटी कैशियर उतने खर्चे करेगा, जितना भी खर्चा होगा हमारे पास आएगा बताएंगे, और जितना भी खर्चा होगा उतना पैसा हम उसको वापस दे देंगे, मतलब उसकी लिमिट मेंटेन रहेंगे, समझा गया। मान लो 1000 रुपये हमने उसको दे दिए, उसने 800 रुपये खर्चा कर दिए, फिर हमारे पास आएगा, उसके पास कितने पैसे बचे, सिर्फ 200, उसकी लिमिट कितनी है 1000 की, तो अपन उसको 800 रुपये दे देंगे, वापस 1000 रुपये आ गए। फिर अगले महीने मान लो 600 खर्चा हो,
हमारे पास आएंगे मेन कैशियर के पास, उसको वापस 600 रुपये दे देंगे, मतलब जितना खर्चा होगा उतना देते जाएंगे और हमारी लिमिट जो हम मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है। तो उस ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। पेटी कैशबुक बनानी, यहाँ पे सारे आपको चिल्लर खर्चे देखेंगे, 5 रुपये, 50 पैसे, 1 रुपये, सारे चिल्लर खर्चे इसको पेटी कैशबुक बनानी। पेटी कैशबुक का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ये थोड़ा अलग फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट रहेगा देखो, पेटी कैशबुक का फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर तो रहता ही हमारा, यहाँ पे रिसिप्ट, ये जो अमाउंट वाली साइड है ना, अमाउंट वाली साइड, इसको अलग से पर्टिकुलर नहीं, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो डेट रिसीट साइड यहाँ पे अपने क्या लिखने का, जो मेन कैशियर से पैसे मिलेंगे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो इसको 100 रुपये मिल रहे, ऊपर कहीं पे लिखा होगा रिसीव्ड 100 रुपीज़ फॉर पेटी कैश, मतलब इसको पैसे मिले 100 रुपये, तो ये कौन से साइड में, रिसीट साइड, मतलब रिसीट साइड में और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, देखो पूरी रिसीट साइड आपको खाली दिखेगी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ इसको कितने रुपये, एक ही ट्रांजेक्शन है, कौन सा मेन कैशियर से 100 रुपये आए, तो मतलब जो पहला कॉलम है रिसीट साइड है वहाँ पे सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा जो मेन कैशियर से पैसे लेगा, बस वो, बाकी सारे जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे में आ लिखेंगे, तो पर्टिकुलर फिर यहाँ लिखेंगे टोटल, और सारे अलग अलग अपन डिफरेंट एक हेड बना लेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे खर्चे रहेंगे ना, चिल्लर खर्चे, तो ये भी बहुत बड़े हो जाएंगे, यदि हम ऐसे कॉलम बनाते गए तो हो सकता है 40-50 कॉलम बन जाए, तो अपने को पेटी कैश को भी लिमिट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ देखेंगे आप बहुत सारे खर्चे दिखेंगे आपको, देखो मान लो बस फेयर, फिर दिखा टांगा में बैठ के आ गया, कार्टेज मतलब भी वही है, ठीक है। बस फेयर हो सकता है, ऑटो फेयर मतलब बस में आया तो बस का भाड़ा, ऑटो में आया तो फिर ऑटो का भाड़ा, रिक्शा में आया तो रिक्शा का भाड़ा, टांगे में आया तो टांगे का भाड़ा, तो ये सब अपन अलग अलग कॉलम बनाते बैठेंगे कि अलग अलग रिक्शे का कॉलम अलग, टांगे का कॉलम अलग, ये भी बहुत हो जाएंगे। तो अपने क्या करना पड़ता है, अपन ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ट्रांजेक्शन देख लेंगे, फिर अपने को समझ में आ जाएगा कौन से टाइप के इसमें एक्सिए है, तो अपन क्या करेंगे सारे जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन दिए उसको 4-5 हेड में डिवाइड कर लेंगे, जब फिक्स नहीं है उसमें देखने का, जो ज़्यादा दिख रहे 2-3 बार दिख रहे तो अपन क्या करेंगे उसके लिए कॉमन हेड बना लेंगे, जैसा यहाँ पे बस फेयर था, टांगा चार्जेस था, कार्टेज था, तो इसके लिए अपन एक ही कॉलम बना लेंगे कन्वेयंस, है ना, कन्वेयंस या ट्रैवलिंग बोल के एक अलग से हम लोग बना लेंगे कॉलम, फिर बस का भाड़ा भी कन्वेयंस में लिखेंगे, कन्वेयंस का मतलब ही होता ट्रैवलिंग, बस का भाड़ा भी कन्वेयंस में लिखेंगे, ऑटो का भाड़ा भी वहीं लिखेंगे, टांगे का भाड़ा भी वहीं लिखेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एकदम भी हम हर एक के लिए अलग अलग कॉलम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो अपने एक डिसाइड कर लेते कि हम लोग मान लो 4, तो जब भी पेटी कैशबुक का है 4 और एक एडिशनल बना लेंगे अदर के लिए, मतलब मीनी या सेंडरीज इसको बोलते हैं, तो 4 अपन हेड बना लेंगे अलग अलग, क्वेश्चन देख के कि कौन से टाइप के इसमें एक्सपेंस है, 4 हेड बना लेंगे और एक 5वां अलग से कॉलम बना लेंगे सेंडरी का, मतलब जो 4ों में कवर नहीं हुआ तो वो गाय में लिख देंगे सेंडरी, ठीक है। देखो यहाँ इन्होंने कौन से बनाए, कन्वेंस का बनाया, कार्टेज का बनाया, स्टेशनरी का बनाया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का बनाया, वेजेस का बनाया और सेंडरीज का बनाया, इतने नहीं बनाना, हम सिर्फ 4 बनाएंगे और एक सेंडरी का बनाया, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कन्वेंस है तो यहाँ लिखेंगे बाय कन्वेंस, कन्वेंस के कॉलम में लिखेंगे कन्वेंस, और कुछ रहा यहाँ पे तो ठीक नहीं होता, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, फिर कार्टेज का लिखेंगे कार्टेज के कॉलम में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में, ठीक है ना, फिर लास्ट में करेंगे टोटल। एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, आ जाओ हमारे नोट्स में एडिशनल जो क्वेश्चन, इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर सौरभ पेटी कैशियर ऑफ राजे मोबाइल कंपनी लातूर रिसीव्ड 8,000, मतलब इसकी लिमिट कितनी है बेटा 8,000, इसको स्टार्टिंग में कितने रुपए मिलेंगे 8,000, तो रिसीट वाले कॉलम में बस ये 8,000 की एंट्री आई स्टार्टिंग 1 जून, फिर बाद में उसने ये पूरे महीने में इतने सारे पेटी एक्सपेंसेस किए, तो इतने सारे पेटी एक्सपेंसेस अब देखो ये 30 है, तो अलग अलग हो सकता, तो इतने 30 कॉलम बनाते बैठने का है कि नहीं, तो इसमें अपने को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कौन से सेम टाइप के हैं, तो अपन कोई भी 4 कॉलम बना लेंगे और एक आखिरी बना लेंगे अदर, ठीक है। फॉर्मेट मैंने बना के रखा था पीटी कैश बुक, तो यहाँ पे कॉलम कौन से आएंगे हर अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कुछ फिक्स नहीं, क्वेश्चन देख के अपने विवेक का प्रयोग करके, विवेक मतलब बुद्धि का प्रयोग करके इनको करने का, डेबिट साइड रहती है, क्रेडिट साइड नहीं आएंगे इसमें, ठीक है, जान दे वैसे लिख सकते हैं अपन ये डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। हाँ, तो पहला तो रिसीट का कॉलम रहेगा थोड़ा अलग है, तो इसको ध्यान रखना, पहले रिसीट का कॉलम, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, ये बारीक वाला क्या है, ये वाउचर नंबर, वाउचर मतलब क्या रहता है, जब भी बेटा कोई एक्सपेंस करते ना तो अपन एक डॉक्यूमेंट रहता है, बुक करती वाउचर बुक, उसमें अपन लिख के रखते हैं, तो डॉक्यूमेंट है, कोई भी चिल्लर खर्चे या कोई भी खर्चे करेंगे तो वाउचर बना के रख देंगे, तो उसका नंबर, यदि क्वेश्चन में दिया है तो कॉलम में जैसा इनवॉइस रहता वैसे ही इसका नंबर लिख देंगे, नहीं दिया, ठीक है, फिर रहता टोटल, और फिर आगे जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे उनके हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको क्या समझ में आता देखते अपन एक बार पढ़ लेते। ऑटो फेयर, कुरियर, पोस्टल स्टैम्प, इरेजर, पेन, पेंसिल, स्पीड पोस्ट, टैक्सी फेयर, रिफ्रेशमेंट, ऑटो फेयर, पोस्टल चार्जेस, फाइल, कार्टेज, कंप्यूटर, बस, मोबाइल,
ऑफिस स्टेशनरी रिफ्रेशमेंट जेरोक्स कुरियर अनलोडिंग बस फेयर। देखो यहाँ पे मेरे को फेयर फेयर बहुत बार दिखा, भाड़ा ऑटो का फेयर दिखा, टैक्सी का फेयर दिखा, फिर ऑटो का फेयर है, फिर कार्टेज है। कार्टेज मतलब वही कैरेज, कार्ड रखते ना पहले, कार्ड बोला कार्ड बैलगाड़ी वैसा, कार्ड में आने का खर्चा तो ट्रांसपोर्टेशन की कैरेज ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते उसको। फिर बस फेयर, बस फेयर देखो इतने सारे सारे ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो एक हेडिंग अपन बना लेंगे ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग बोलो या उसको, ट्रैवलिंग से अच्छा वर्ड रहता कन्वीनियंस। ट्रैवलिंग जनरली जब बाहर वगैरह जाते घूमने तब तो वो ट्रैवलिंग होता, तो एक कन्वीनियंस का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें कुरियर, कुरियर मेरे को ज़्यादा दिख रहा, दो तीन बार दिख गया कुरियर या पोस्टेज है ना, तो अपन पोस्ट कुरियर एंड पोस्टेज बना लेंगे। कुरियर एंड पोस्टेज, कुरियर पोस्टेज स्पीड पोस्ट मतलब वही कुरियर, कुरियर कुरियर भी तीन चार बार दिखा था, कुरियर का एक बना लिया। और क्या दिख रहा है, स्टेशनरी दो तीन बार दिख रहा, तो एक बना लेंगे स्टेशनरी का, है ना। ये देखो ये एक स्टेशनरी है, फिर ये फाइल मतलब स्टेशनरी है, ये जेरोक्स मतलब स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी का एक बना। और क्या दिख रहा आपको, रिफ्रेशमेंट दिखा मेरे को एक बार, और एक बार रिफ्रेशमेंट भी दिखा, ठीक है दो बार रिफ्रेशमेंट दिखा, चौथा कॉलम बना लेंगे रिफ्रेशमेंट। चौथा कॉलम बना लेंगे रिफ्रेशमेंट, ठीक है बस चार ही कॉलम बनाने, पांचवा बना लेंगे अदर। अदर बोलो या अदर लिख सकते हैं, या सन्ड्री लिख सकते हैं, या मिसलिनियस लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर बचा, अगर कुछ बच भी जाएगा इसमें जो चारों हेडिंग में नहीं बैठ रहा, तो उसको अपन अदर वाले में लिख देंगे, ठीक है। तो चार कौन से कॉलम बने बेटा अपने यहाँ पे, एक बना कन्वेयंस, कन्वेयंस मतलब ये आने जाने का खर्चा, कुरियर एंड पोस्टेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जिसको बोलते हैं हम, एक रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस क्या मतलब क्या होता, ऐसा एक्सपेंस जिसको करने से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, मतलब ये चाय पानी का, खाने पीने का, नाश्ते का खर्चा है, रिफ्रेशमेंट। और एक रहेगा अदर, अपन उसको मिसलेनियस या सन्ड्री भी बोल सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, या अदर एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस। तो ये हमारे बन गए कॉलम, ठीक है। और फटाफट अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, ये हमेशा ऊपर का भूलना नहीं, पहले बोल दे रहा ऊपर कुछ ना कुछ दिया रहता, भूल जाएंगे क्वेश्चन गलत। पहले 8000 का अपने को लिखने का, 8000 अपने को मिले तो कहाँ आएंगे बेटा इसकी एंट्री, रिसीट साइड में ना, 8000 का हो गया। एक मिनट, पेन दिक्कत दे रहा है, हाँ तो हम कहाँ थे, रिसीट। तो 8000 के, 8000 रुपये अपने को मिले तो कौन से साइड में लिखेंगे, यहाँ पे 8000। तारीख क्या है, 1 June 2019, क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, 2 कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ ऑटो फेयर 255, कहाँ लिखेंगे ऑटो फेयर, कन्वेयंस में, तो कन्वेयंस में लिखो 255, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 2 कन्वेयंस डैश, बाकी सब में डैश, तारीख जो भी रहेंगे तारीख लिखते चलने का। देन कुरियर एक्सपेंस, कुरियर एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे बेटा, कुरियर का अपने अलग से हेड बना लिया, तो कुरियर के हेड में लिखेंगे कुरियर, टोटल में टोटल लिखने का है, सॉरी टोटल हमेशा वो एक ही आएंगे क्योंकि एक कॉलम में दो तीन आते ही नहीं है, 60, तो टोटल भी आ जाएंगे 60। ये किस बात के बेटा, कुरियर। नेक्स्ट पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प भी कहेंगे कुरियर एंड पोस्टेज में, हमने करेगा ना कुरियर या पोस्टल स्टैम्प, कितना है 210, ठीक है। नेक्स्ट इरेजर, पेन, पेंसिल, एक आ जाएगा बेटा
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी कितनी है, सॉरी 525, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखेंगे 525, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड पोस्ट चार्जेस, ये काम भी जाएगा स्पीड पोस्ट, कुरियर एंड पोस्टेज, अगेन टू कुरियर 198, ठीक है। नेक्स्ट टैक्सी फेयर 390, टैक्सी फेयर 390 का जाएगा कन्वेयंस में, टू कन्वेयंस, सॉरी सॉरी ये टू टू नहीं आएंगे, सब बाय बाय आएंगे, बाय 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 बाय, पहला वाला टू आएगा, बाकी सब बाय 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 बाय। जी नेक्स्ट 390 वाला हो गया अपना। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का अलग हेड बनाया अपन ने 850, तो रिफ्रेशमेंट में लिखने का अपने को 850 बाय रिफ्रेशमेंट 850। नेक्स्ट ऑटो फेयर 310, तो एक आ जाएगा कन्वेयंस में, 310 बाय कन्वेयंस, डेट लिखते चलना सबकी, 310 टोटल भी आएंगे 310, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ तक होगा, 310 तक होगा। पोस्टल चार्जेस 142, ये कहाँ जाएगा बेटा, पोस्टल चार्जेस 142 ये जाएगा कुरियर एंड पोस्टल बाय कुरियर एंड पोस्टेज 142। नेक्स्ट फाइल परचेज 45, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएंगे, स्टेशनरी खरीदी 45 बाय स्टेशनरी 45, टोटल भी हो जाएंगी 45। नेक्स्ट कार्टेज, कार्टेज मतलब ही कन्वेयंस 65 बाय कन्वेयंस, ये क्या रहता पेटी, कैजुअल का क्वेश्चन एकदम इजी रहता है एकदम पांचट, लेकिन दिक्कत एक ही है बहुत ही लंबा रहता है, बहुत लेंदी रहता है, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस, कंप्यूटर परचेस नहीं हो स्टेशनरी परचेस, 1650, तो स्टेशनरी में आएगा 1650 बाय स्टेशनरी, कितना हुआ रे अभी तो आधा ही हुआ, और देखो हमारा एक खत्म भी हुआ कॉलम, बहुत ही बड़े होते हैं क्वेश्चन। काम करते थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, आप लगे तो इसको आगे ले लेना। हाँ चलो कहाँ तक पहुँच गया अपन, 1650 तक ना। नेक्स्ट बस फेयर 240, तो ये कहाँ जाएगा कन्वेंस में, बस फेयर 240 कन्वेंस कहाँ था हमारा, यहाँ पे था ना पहले नंबर पर, बाय कन्वेंस 240, ठीक है। नेक्स्ट मोबाइल चार्जेस 270, मोबाइल चार्जेस का कोई हेड में बैठेंगे क्या, कन्वेंस नहीं, पोस्टेज नहीं, स्टेशनरी नहीं, रिफ्रेशमेंट भी, तो अपन इसको सेंट्रीज या अदर जो मिसलिनियस वाला बनाया उसमें लिखेंगे 270, सबसे लास्ट में हमने बनाया ना 270, इसमें लिखेंगे बाय मिसलिनियस एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट 270 ओके। नेक्स्ट ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस पेड, मतलब ये साफ सफाई के चार्जेस 160, तो इसका भी कोई ऐड नहीं है, तो ये भी कहाँ जाएगा आखिरी वाले में मिसलिनियस में 160 बाय मिसलेनियस एक्सपेंस,
नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट 450, रिफ्रेशमेंट अलग से बनाया है हमने, 450 रिफ्रेशमेंट के कॉलम में लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फोटोकॉपी जेरोक्स मतलब 270, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उनका कॉलम है रिफ्रेशमेंट के बाजू वाला, कितना है 270। ठीक है 270 बाय स्टेशनरी। ठीक है, नेक्स्ट कुरियर एक्सपेंसेस 140, कुरियर वाला कहाँ पे हमारा ये कितना है 140, तो कुरियर में लिखेंगे 140 बाय कुरियर एंड पोस्टेज। टोटल 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 लिखना भूल गए हम, टोटल भी लिखते चलने का, यहाँ पे 270 160 450 270 140। ठीक है, नेक्स्ट इतना बड़ा क्वेश्चन है, होता कि नहीं खत्म, जगह खत्म हो जा रही है हमारी, बस दो ही। अनलोडिंग चार्जेस 170, अनलोडिंग चार्जेस का कुछ बनाया क्या हमने, नहीं, तो अनलोडिंग चार्जेस आखिरी में चल जाए। 170 कितना हुआ है बाय मिसलेनियस एक्सपेंस 170। नेक्स्ट लास्ट बस फेयर 150, मतलब ये कहाँ जाएगा कन्वेयंस बाय बस फेयर, नहीं बाय कन्वेयंस। फाइनली हो गया, एक स्क्रीन पे दिख रहा भी नहीं इतना बड़ा होगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे अपन इसकी टोटल और बैलेंस, तो टोटल और बैलेंस कैसे करना है देखो। यहां करेंगे हम इसकी टोटल, ठीक है ना, इधर साइड की टोटल तो सिंपल है, एक ही था यहाँ पे 8000, तो रिसीट साइड की टोटल में आ जाएंगे 8000 और इसकी टोटल में आएगा, करो फटाफट कैलकुलेटर लो और सारे कॉलम के फटाफट टोटल करो, 255 प्लस 60 प्लस 210 प्लस 525 प्लस 198 प्लस 390 प्लस 850 प्लस 310 प्लस 142 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 240 प्लस 270 प्लस 160 प्लस 450 प्लस 270 प्लस 140 प्लस 170, तो 4750 आ रही है इसकी टोटल, 4750। अब देखो इसमें एक आधा आइटम छूट सकता है या गलत अमाउंट लिख सकते हैं, तो क्या करने का, जैसे हमने ये टोटल किया बाद में ऊपर आपके कैलकुलेटर में चेक का बटन रहेगा या ऑटो रिप्ले का रहेगा, उस फटाफट आएगा, यदि इतनी स्पीड से आपको देखना नहीं जमता तो चेक का बटन दबा के एक बार फटाफट चेक कर लेने का हमने वही किया गया। देखो 255 60 210 525 198 390 850 310 142 45 65 240 270 160 450 270 140 170। ठीक है, बराबर है, तो अपने में कॉन्फिडेंस आया था कि हमने बराबर किया, अब इतने सारे आइटम है तो एक आधा छूट सकता ना। अब कन्वेंस के कॉलम की टोटल करो फटाफट, 255 प्लस 390 प्लस 310 प्लस 65 प्लस 240 प्लस 150, ये चेक की आदत डालते जाओ हाँ, ताकि हमारा बरोबर हो। 6160, नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, गलत हुआ उसको, 255 प्लस 390 प्लस 310 प्लस 65 प्लस 240 प्लस 150, वही तो बोला टोटल 4000 आ रही है और एक ही कॉलम की टोटल 6 से ज़्यादा, 1410। नेक्स्ट कुरियर की टोटल करो 60 प्लस 210 प्लस 198 प्लस 142 प्लस 140 750। ठीक है, फिर करो स्टेशनरी की टोटल 525 प्लस 45 प्लस 1650 प्लस 270 2490 2490। ठीक है, देन रिफ्रेशमेंट की टोटल करो
2490। रिफ्रेशमेंट की टोटल कितनी हो रही, दो ही आइटम है, 850 प्लस 450 1300। रिफ्रेशमेंट की टोटल आ रही है 1300। तो लास्ट वाले की मिसलिनियस की टोटल करो, इसमें भी दो तीन आइटम है, 270 प्लस 160 प्लस 600। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना, ये नीचे के सारे इसी टोटल करके देखना, टोटल मैच हो रही है। 1410 प्लस 750 प्लस 2490 प्लस 1300 प्लस 600। गड़बड़, 1410 प्लस 750 प्लस 2490 प्लस 1300 प्लस 600। देख अपन ने चेक किया था, गलती आपको जो पता चलेंगी कि नहीं पता चलेगी। देखो अब इसकी टोटल अगर मैं इन सब की टोटल करूँ, ये नीचे आ रहे इंडिविजुअल कॉलम की टोटल, तो आ रही 6550 और ऊपर मैंने टोटल की कॉलम की टोटल कितनी आई, 4750। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1800 का फर्क आ रहा, 1800 का फर्क, मतलब हमने टोटल में कुछ तो भी छोड़ दिया। तो हम वहाँ जाके लिख देख सकते, देख एक तो हमने छोड़ दिया 1650, ठीक है, एक तो हमने छोड़ दिया लास्ट का 150। तो 1650 और 150 करेंगे आप तो हो गया 1800, आ गया फर्क, समझ में आया। तो इसलिए कभी भी क्रॉस चेक करने का, ये नीचे के इंडिविजुअल कॉलम की टोटल करने का और ग्रैंड टोटल से मैच होना चाहिए, तो हमको हमारी गलती हथवार पता चल जाएंगी। ठीक है, इसमें बस ये ऐसी मिस्टेक हो सकती है, कुछ छूट गया या टोटल में लेना छूट गया। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करने का अपने को, बैलेंस, तो सबको बैलेंस नहीं करने का अपने को, सिर्फ बर्न करने का टोटल के कॉलम को बैलेंस करने का। ठीक है, तो टोटल के कॉलम का बैलेंस कितना आएगा बेटा, देखो इधर है 8000 देखो इसमें है ना, टोटल थोड़ा सा ऊपर लिखते हम, यहाँ पे आप टोटल मत लिखो, टोटल नीचे लिखेंगे अपन, लेकिन यहाँ टोटल करके रखने की हमको। ठीक है, इसको टोटल करके रख दी, फिर नीचे करेंगे वापस टोटल, एक बार सारे एक्सपेंसेस के आप टोटल करके नीचे लिख लें। ठीक है, फिर नीचे वापस आएगा एक बार टोटल, बैलेंस बीच में लिखना पड़ता अपने को इसमें। तो यहाँ साइड, ये साइड की टोटल कितनी थी, 8000, यहाँ की भी टोटल कितनी आनी चाहिए, 8000, है ना। तो ये जो टोटल आएंगे 8000 और इसमें जो भी फर्क आएगा वो क्या रहेगा, हमारा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ये समझा क्या, रिसीट साइड की टोटल लिख लेने का पहले 8000 और इधर की भी टोटल 8000 आनी चाहिए। तो उसके लिए पहले क्या कर लेना, ऊपर के एक्सपेंसेस की टोटल अपन ने पहले ही कर ली, पहले करके रख दिया हमने। अरे 1800 नहीं है ना, अरे अठारह सौ का तो फर्क था, मैंने 1800 लिख दिया, ये क्या है 6550। एक्सपेंस के टोटल की टोटल हो गई 6550। ठीक है, अपन ने नीचे रिसेट की टोटल ले ली 8000, कितने का फर्क आ रहा देखो, माइनस 6550, 8000 माइनस 6550, कितने का बैलेंस आएगा, 14450। ये समझा गया, मतलब 8000 रुपये हमको मिले थे, 8000 में से 6550 हमने खर्चा कर दिए, 1450 का बैलेंस अभी भी हमारे पेटी कैश में पड़ा हुआ है। ये बैलेंस को क्या करने का बेटा, सीडी को करेंगे बीडी, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और हमेशा अपोजिट साइड में करते ना, ये जो 1450 का बैलेंस है इसको अपन लिखेंगे अपोजिट साइड में, मतलब रिसीट वाले साइड में 1450, मतलब 1450 अभी भी हमारे पास कैश पड़ी हुई है। ये समझा गया, शुरुआत में हमको मिले थे 8000, 8000 में ये सारे हमने खर्चे कर लिए,
खर्चे की टोटल कितने का खर्चा हो गया, 6,550 का खर्चा हो गया। 8,000 में से 6,550 का खर्चा हुआ तो कितने पैसे बचे, 1450। तो ये 1450 हमने बैलेंस नीचे लिख दिया रिसीट साइड में कि हमारे पास अगले पीरियड के स्टार्टिंग में कितने पैसे हाथ में, 1450, और खर्चा हो गया 6,550। तो अब हम मेन कैशियर के पास जाएंगे, उसको ये बताएंगे, उसको बोलेंगे 6,550 का खर्चा हुआ और 6,550 उससे रुपये हम वापस ले लेंगे। उससे हम वापस रुपए लेंगे तो क्या एंट्री होंगी बेटा, टू कैश अकाउंट, कितने पैसे लेंगे उससे, जितना खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हुआ, 6,550। तो अब यदि टोटल करेंगे 6,550 और 1450 तो वापस 8,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, बस ये नीचे वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लेने का, बाकी तो इजी। टोटल करने का एक्सपेंस की पहले टोटल कर लेने का, फिर लास्ट में नीचे अलग से टोटल का कॉलम बनाने का, रिसीट की जितनी टोटल रहेगी उतनी इधर भी टोटल लिखने का, जो भी फर्क आएगा वो बैलेंस, बैलेंस को करो ब्रॉट डाउन, और जितना भी तुम्हारा खर्चा हुआ वो अगले पीरियड के स्टार्टिंग में उससे वापस ले लो, टू कैश बोल के, यानी आपके रिसीट में आपके हाथ में पूरे 8,000 वापस। ठीक है, इसको आप एक बार ध्यान से सॉल्व करो, लिख लो, और अगले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान से एक बार समझ लो और लिख लो। ठीक है, काम करो, पूरा तो एक साथ नहीं दिखेगा, पूरा करूँगा तो ये छोटा आपको मोबाइल में हो सकता दिखे ना, इसलिए मैं क्या करता, आधा पहले आधा जूम करता फिर आधा जूम। तो ये देखो पहले इतना लिख लो आप, 1650 तक आपको दिख रहा होगा, 1650 तक आप लिख लो, इसको पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर 1650 के नीचे का लिख लो। ठीक है, ये नीचे वाला जो मैटर है लाइन की टोटल के नीचे का, थोड़ा ध्यान से कर लो, बाकी सब इजी। ठीक है, लिख लिया, ओके। तो ये हो गया पेटी कैश बुक का आपका क्वेश्चन, आप पेटी कैश बुक भी कर सकते हो। देख इतने से ट्रांजेक्शन दे तो कितनी बड़ी बड़ी पेटी कैश बुक, ये अगर मेन कैश बुक में ला लेते थे तो कितना कचरा हो जाता था, इसलिए आप पेटी कैश बुक अलग से करो। ठीक है, तो पेटी कैश बुक में क्या है, पहले रिसीट का कॉलम, फिर डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर और टोटल, और बाद में कॉलम कितने रहेंगे वो डिपेंड करता क्वेश्चन कौन दे। कॉलम हम फिक्स कर लेते हैं, हर क्वेश्चन में हम लोग 5 कॉलम ही बनाएंगे पेटी कैश बुक के, 4 हम अलग अलग हेडिंग बना लेंगे और 5वां अदर का, तो 4 अलग अलग हेडिंग बुनते रहेंगे, डिपेंड करेंगे क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन देख लेने का, जितने भी ज़्यादा ज़्यादा है उसका हम लोग बना लेंगे अलग से 4 कॉलम, और बचे हुआ जो नहीं है इसमें कवर हुआ उसका अदर कॉलम। तो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस पर्टिकुलर में लिखते चलने का, और वो कॉलम में उसका एक्सपेंस लिखने का, टोटल में टोटल लिखने का, लास्ट में करने का ये सारे एक्सपेंसेस की टोटल, फिर लास्ट में दोनों साइड की टोटल करेंगे, जितना भी बैलेंस आएगा बैलेंस को सी डी बी डी कर लेंगे, जितना भी खर्चे का टोटल है उतना पैसा हम लास्ट में वापस मांगेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा पेटी कैश बुक होता समाप्त, तो पेटी कैश बुक के आप क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हो, है ना। देखो तो 5वां मैंने बता दिया, तो 6वां भी पेटी कैश बुक है आपको करने का, 6वां होमवर्क, 7वां होमवर्क, 8वां होमवर्क। देखो ये 7वें में ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, 7वें में 21 तक ही है, वैसे तो आपके पास ये नोट्स होंगी नहीं, यदि आपको नोट्स मिल रही हो उसमें आ रहा तो जो क्वेश्चन नंबर 7 थे उसमें 24 से लेके अलग क्वेश्चन का कॉपी हो गया, तो बस 21 तक ही है उसमें। ठीक है, तो 7वें में 21 तक ही करना। तो ये तीनों पेटी कैश बुक के होमवर्क है नोट्स में से। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के भी, अपना मॉड्यूल के भी आप पेटी कैश बुक के क्वेश्चन आप कर सकते। पांचवा तो होमवर्क दे दिया था मैंने, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी एक होमवर्क दे। अच्छा, ये पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये वाला इलस्ट्रेशन 4। तो मॉड्यूल में के कितने क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, देखो इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। तो मॉड्यूल का होमवर्क है, मॉड्यूल में से आपको करना है होमवर्क 3 क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। ये 3 क्वेश्चन मॉड्यूल में से करने का है, और जो हमारी नोट्स है नोट्स के 3 क्वेश्चन, यानी टोटल 6 क्वेश्चन होमवर्क है। इजी है, मैं बार बार रिपीट करूँ इसकी वजह से मैं होमवर्क ये वाले को चैप्टर जो स्टार्टिंग है इसमें होमवर्क वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा। ये हो गया मॉड्यूल में का, और जो हमारी नोट्स है उसका कौन से क्वेश्चन होमवर्क है,
क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर तो पहले ही दे दिया था, फाइव मैंने कर लिया, थ्री से लेके आखिरी तक, छः से मतलब। क्वेश्चन नंबर थ्री, सिक्स, सेवन, एट, मतलब ये चार क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन, टोटल सेवन क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। तो बहुत सारा होमवर्क है आज, कैश बुक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सात क्वेश्चन है, हो सकता है इसको थोड़ा टाइम लगे, दो तीन घंटे लगे, लेकिन यहीं की इसको खत्म करो तो हमारा कैश बुक चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर है रेक्टिफिकेशन वगैरह, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा नया है, अलग है, मजा आएगा आपको। तो यहाँ तक तो एकदम सिंपल था, इसके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो अगला चैप्टर रहेगा हमारा रेक्टिफिकेशन वगैरह, उसका डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता, चार मार्क से लेकर के दस मार्क तक का उसका क्वेश्चन आ सकता, हो सकता है चार का है, छः का है, आठ का है, एक एग्जाम में तो दस मार्क के लिए भी पूछा था रेक्टिफिकेशन वगैरह। तो अगले वाले चैप्टर को वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करना है। तो मैं ये नहीं चाहता कि अब अगले चैप्टर में पीछे का बैकलॉग लेके जाए, तो प्लीज़ आज तक का जितना भी आपका बैकलॉग रहा होगा, जितने भी लेक्चर रहेंगे लेक्चर करो, होमवर्क रहेंगे होमवर्क करो, सारे फटाफट करके एक बार फाइनली मुझे बता दो कोई क्वेरीज है क्या है, कि ये सारा बेसिक था अभी तक, अब हमारा रियल स्टार्ट होने वाला है। तो ये बेसिक में कोई भी किसी को क्वेरी नहीं आनी चाहिए, अपना बैकलॉग बेसिक्स में से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगला हमारा मेन जो है, हमारा मेन स्टार्ट होने वाला है कल से, जो रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो सारे लोग होमवर्क करो, फटाफट मुझे बताओ कोई दिक्कत आती है, ठीक है। ओके, इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके, बाय बाय।